हेलो दोस्तों, आज सिखाऊंगी न्यू डिजाइन की डोर में। ये देखिएगा कितना सुंदर बना हुआ है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर करें। आइए मैं इसको बनाना सिखाती हूं। आज मैं सिखाऊंगी सुंदर सा डोरमेट। उसके लिए मैंने ये 20 फिंदे डाले हुए हैं। 6 फिंदे हमने ये बैंगनी से डाले हुए हैं, 10 फिंदे पीले से डाले हुए हैं और 4 फिंदे हमने ये ब्लैक से डाले हुए हैं। तो देखें किस तरह से हम बनाएंगे। 4 फिंदे डाले हुए हैं, 1 फिंदे को इसी तरह से हम बढ़ा लेंगे। एक फिंदे को बढ़ाया, 1 फिंदे को हम यहां से ये इस तरह से बनाएंगे। बहुत ये सरल तरीके से बता रही हूँ। यहाँ एक बढ़ाया, यहाँ हमने एक ब्लैक का ये पीला कर लिया। ये देखें यहाँ पे 2 फिंदे नीचे की साइड पे पीले 2 फिंदे हम ये बैंगनी कर लेंगे इस तरह से। और 2 फिंदे हम बगैर बुने हुए नीचे की साइड से छोड़ देंगे। ये देखें इस तरह से, और सिलाई को पलट लेंगे। अब जो जैसे कलर का फिंदे हैं उसी कलर से मैं बनाऊंगी। ये देखें इस तरह से 1 फिंदे को और बढ़ाएंगे। इसी तरह से एक एक करके हम फिंदे बढ़ाते जाएंगे ऊपर की साइड से। इस तरह से ये हम बुनते जाएंगे। ये 4 ही 4 फिंदे हम बुनेंगे और इस वाले 1 फिंदे को हम नीचे की साइड से इस तरह से हम बुन लेंगे। ये ब्लैक पीला कर लेंगे। यहाँ देखें यहाँ 2 फिंदे हम करेंगे नीचे की साइड से, 2 फिंदे ऊपर की साइड से 1 बढ़ाएंगे। तो 1 ही फिंदा हम ऊपर की साइड पे हम ब्लैक करेंगे और 2 फिंदे हम बगैर बुने हुए फिर से छोड़ देंगे। ये देखें इस तरह से, और सिलाई को पलट लिया है। और जो जैसे कलर में है उसी कलर से मैं बनाऊंगी। ये देखो इसी तरह से हम एक एक फिंदे करके बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे हम 6 फिंदे बढ़ा लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इधर से छूटते जाएंगे 2-2 करके, तो हम ये 6 फिंदे बढ़ा लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देखो 6 फिंदे हमने बढ़ा लिए हैं, 4 इसमें ऊपर की साइड पे ब्लैक बढ़ चुके हैं, 2 इसमें से, और 20 फिंदे मेरे पास ये हैं। और ये देखें 10 फिंदे हमने इधर से बगैर बुने हुए छोड़ दिए हैं। अब देखें आगे का हम कैसे बनाएंगे। यहाँ से हम ये देखें यहाँ से अब फिंदे नहीं बढ़ाएंगे हम। ये देखें इस तरह से, ये देखें 2 फिंदे हमने ये छोड़ दिए बगैर बुने हुए। इसी तरह से हम ऊपर तक फिंदे छोड़ेंगे बगैर बुने हुए, 2-2 करके बुनते जाएंगे और 2-2 फिंदे हम छोड़ते जाएंगे। तो मैं यहाँ तक छोड़ लेती हूँ फिर आपको दिखा। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 2-2 करके छोड़ लिए हैं। अब देखें
अब ये हम चार बुनेंगे, सिलाई को पलट लेंगे। ये देखो अब यहाँ से दो फिंदे हम बनाएंगे, जिस तरह से हमने दो दो करके छोड़े हैं उसी तरह से बनाना है। इस तरह से ब्लैक है तो ब्लैक से बना लेंगे। तो ये और दो छूटे हुए हैं मेरे पास, तो ये भी हम बना लेते हैं। फिर आपको हम ये देखो यहाँ तक ये हमने बुन लिए हैं और ये पीले वाले को अभी हमने छोड़ दिया है। अब देखें यहाँ पे दो का एक करेंगे, जिस तरह से हमने एक एक फिंदे को बढ़ाया है उसी तरह से हमें यहाँ पे घटाना है, और एक फिंदे को हम पीले वाले को ये ब्लैक कर लेंगे। ये गैपिंग है तो इसको हम इस तरह से कर देंगे और दो फिंदे हम इधर से बुन लेंगे। ये देखें जब हम यहाँ से फिंदे कम करना स्टार्ट करेंगे तो इधर पे हम ये कली बनाना चालू हो जाएगी। अब देखें छह फिंदे हम इधर बैंगनी से बुन लेंगे, चार फिंदे मेरे पास हैं और दो ये बगैर बुनेंगे और सिलाई को हम पलट लेंगे इस तरह से। ये देखें अभी एक फिंदा हमने घटाया, अब फिर से देखें दो का एक कर दिया तो दो फिंदे घट गए, एक पहले घटाया एक अभी घटा लिया और इधर से एक पीला हमने कर लिया। तो ये चार के चार ही रहते हैं फिंदे साइड पे, ये ऊपर की साइड पे रहेंगे। इधर से देखिएगा दो फिंदे ये बैंगनी वाले हो जाएंगे और बगैर बुने हुए हम दो दो करके बुनते रहेंगे। ये देखिएगा चार हैं तो दो और हम बुन लेंगे। ये देखें इस तरह से इसी तरह से हम ये सारे फिंदे बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं और छह ऊपर के फिंदे हम कम कर लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने इसको बना लिया है, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है एक। अब दूसरी पत्ती देखिएगा किस तरह से डलेगी। अब यहाँ पे मैं कलर को चेंज करूंगी, ब्लैक यही चलेगा, ये आउटलाइन वाला है तो ये इसी तरह से चलेगा ब्लैक। ये देखें यहाँ से मैं कलर को चेंज करूंगी और जो फिंदे जितने थे 20 फिंदे थे तो 20 ही फिंदे मेरे पास हैं, 10 फिंदे ये ब्लू हो जाएंगे। अब पत्ती भी है मैं चेंज करूंगी तो ये वाला कलर लगा लेती हूँ। और ये वाला इस तरह से धागा कर दीजिए, नहीं यहाँ पे गैपिंग हो जाएगी। ये देखें इस तरह से अब ये वाला कलर चलेगा, अभी ये वाला चल रहा था अब ये वाला चलेगा और इस वाले की पत्ती बनाएंगे। जिस तरह से हमने नीचे पत्ती बनाई है उसी तरह से अब ऊपर बनता जाएगा। इसी तरह से हम ये दो कलर में हम पत्तियां बनाएंगे और दो कलर में हम ये बनाएंगे ऊपर वाली ये पत्ती, और ये आउटलाइन के लिए चार फिंदे इसी तरह से बराबर चलते रहेंगे। इसी तरह से हम इसको बना के कम्प्लीट करते हैं। ये देखो इसको हमने सिल लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है। और बड़ा बनाना चाहें तो इसी तरह से और बड़ा बना सकती हैं, जैसे 24 फिंदे में 28 फिंदे में, तो ये काफी बड़ा बन जाएगा।